आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा प्रश्न है, क्या थर्मोकॉल के छोटे टुकड़े या लकड़ी के तख्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? तो देखो, सबसे पहले तो हमको विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या जानना आवश्यक होगा कि जिस भी वस्तु में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं वह विद्युत की चालक है या नहीं है। चालक मतलब की होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अगर हम बात करें विद्युत धारा के चालक की, तो वो होती हैं अपनी धातुएं, है ना। धातुएं होती हैं, समस्त धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं, बस कुछ कुछ उसमें अपवाद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि क्या थर्मोकॉल के छोटे टुकड़े, देखो थर्मोकॉल क्या होता है, एक सफ़ेद कलर की जो होती है, सीट जैसी होती है ना, उसके छोटे से टुकड़े, अगर हम उसको तोड़ लिया जाए तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसमें से या फिर लकड़ी के तख्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो हमको बताना है ये कथन सही है या गलत है। तो देखो, जो लकड़ी होती है वो होती है विद्युत की कुचालक। ये जो लकड़ी है ना, ये होती है विद्युत की कुचालक, यानी कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। और छोटे टुकड़े, जो थर्मोकॉल का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है ना। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये होते हैं विद्युत के कुचालक, और किसी भी कुचालक में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो ये जो हमें कथन दिया है ये गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ना तो थर्मोकॉल के छोटे टुकड़े में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ना ही लकड़ी के तख्ते में से, क्योंकि ये दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।